हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज है 4 जून, अभी है 8:15 का टाइम है। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ कभी भी सुबह सुबह टीवी चालू नहीं होता है। पहले होता था जब मम्मी आती थी, अभी नहीं होता है। पहले पीयूष लक्की देखते थे, अभी तो पीयूष लक्की भी नहीं देखते हैं। जैसे दिन में शाम के समय देख लेते हैं, सुबह सुबह टीवी नहीं देखते हैं। आज सुबह 8 बजते बजते टीवी चालू हो गया है, पीयूष बैठ के देख रहा है, मैं भी देख रही हूँ, पर मैं घूमते फिरते अपना काम करते करते देख रही हूँ। पीयूष बैठ के देख रहा है, लक्की को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने में बिजी रहता है। अब वो अपना फ़ोन लेके अंदर में बैठा हुआ है। आज मैंने कोशिश किया था कि मैं जल्दी जल्दी अपना सुबह काम कर लूँ, पर आज मेरा काम भी ज़्यादा है। हालांकि हो गया, कपड़ा मेरा लगभग धुल चुका है, नाश्ते का भी हो गया है, नाश्ता मैंने बना दिया है। पीयूष लक्की का नाश्ता हो भी गया है, दोनों ने कर भी लिया है। तो पीयूष तो यहाँ टीवी देखने के लिए बैठ गया है। इसको समझ में कुछ कम आता है तो वो पूछ रहा है, देख रहा है, पर इसको समझ में नहीं आ रहा है। केवल इसको यही मतलब है कि मोदी जीतना चाहिए, बस यही देख रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कितना में जीतेगा, कैसे होगा, यही सब पूछ रहा है। अब मेरा है तो मैं स्थिर बैठ के तो देख नहीं सकती, तो मैं अपना काम करते करते मैं देख भी रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। तो आज मैंने नाश्ता का ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, हल्का फुल्का नाश्ता बना दिया है। तो अभी जल्दी जल्दी मेरा कपड़ा धोने का भी काम हो जाएगा, फिर दिन के खाने का तैयारी करूँगी। क्योंकि बीच बीच में 10-5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाते टीवी के, तो फिर लेट हो ही जाता है। तो इसीलिए आज जल्दी कोशिश भी किया है मैंने, सुबह जल्दी मशीन लगा दिया था। कपड़ा तो इस समय तक धुल भी गया है, तो ड्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं रहता, कब बारिश आना शुरू हो जाए, कब धूप गायब हो जाए। हालाँकि अभी धूप है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, पर धूप है, फिर भी मैं ड्राई करके डाल दूँगी तो सूख जाएगा। क्योंकि बारिश के मौसम में यही दिक्कत है कि कहीं बारिश आ जाएगा तो फिर कपड़ा कहाँ डालेंगे, इसीलिए मैं सब कपड़ा को ड्राई करके सुखा दूंगी तो जल्दी सूख भी जाएगा। सुबह सुबह आ गया है पार्सल। हालांकि ऑर्डर किए हुए बहुत दिन हो गया, कम से कम 10-12 दिन हो गया है, बहुत दिन बाद आया है, पर यही है 4 जून का दिया, तो 4 जून में सुबह सुबह आ भी गया है। देख रही हूँ अच्छा आया कि नहीं, क्योंकि पिछले बार जो फ्लिपकार्ट से मैंने ट्राईपॉड जो मंगवाया है वो अच्छा नहीं आया है। उससे पहले जो मैंने मंगवाया था वो अच्छा आया था, पर अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अच्छा नहीं आया है। देखने में ठीक लग रहा था, पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। यहाँ मैंने इसको सेटिंग कर दिया है पूरा अच्छे से, क्या है कि सुबह सुबह तो एक बार पोछा लग चुका है, तो आज तो इसका यूज़ करना नहीं है, कल यूज़ होगा। फिर भी इसको सेट करके मैंने रख दिया, एक बार चेक कर लिया है, फिर उसने भी चेक कर लिया है, मैंने भी चेक कर लिया है
क्योंकि मेरे यहाँ पीयूष भी बहुत बार पोछा लगा देता है इसको भी, मतलब कुछ जब मैं बिजी रहती हूँ या फिर मेरा तबीयत ख़राब रहता है तो पीयूष ये सब काम कर देता है। उतना अच्छे से नहीं कर पाता है पर काम चलाने लायक हो जाता है। तो यहाँ सेटिंग करके मैंने रख दिया है और कार्टून को बाहर में रख दूँगी, पर पीयूष को नहीं पसंद आया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि पहले जो मैं यूज़ करती हूँ वो वाला भी ऐसा ही है पर वो टूट गया है, उसका डंडा भी टूट गया है और बाल्टी भी टूट गया है, इसीलिए मुझे नया मंगवाना पड़ा। हालांकि चला था खूब, कम से कम 3-4 साल मैंने उसका यूज किया है, उसके बाद ही नया वाला मंगवाया है। तो कपड़ा सब मैंने मशीन से बाहर निकाल के तो रख दिया था पर बाहर नहीं डाला था, तभी बाहर डाल दूंगी। हालांकि धूप भी है, हवा भी चल रहा है, सूख जाएगा, पर वही है पता नहीं चलता है कब बारिश आ जाए, इसलिए मैंने ड्राई कर दिया है, नहीं तो हवा में जल्दी सूख जाता। मेरे यहाँ इतना बड़ा आंगन है तो यहाँ कपड़ा सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर भी मैं 4 रस्सी बांध के रखती हूँ, तार बांधा हुआ रस्सी नहीं, रस्सी तो टूटता जल्दी, 1 रस्सी है और 3 तार बांधा हुआ है, तो जब भी कपड़ा धोती हूँ तो सब भर जाता है। हालांकि अब पीयूष लड़की का स्कूल का छुट्टी हो गया तो स्कूल ड्रेस नहीं रहता है तो इसीलिए जल्दी जल्दी कपड़ा नहीं धुलता है, जैसे 4-5 दिन से ही कपड़ा धुलता है, मतलब कि मशीन रोज़ रोज़ नहीं लगता है, हाथ से थोड़ा बहुत रहता है तो वो धो देती हूँ। तभी तो 2-3 दिन से मैं हाथ से भी उतना नहीं धो पा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं बिजी रहती हूँ, कभी कहीं जाना रहता है कभी कहीं जाना रहता है। तो कल हम गए थे दादी जी के यहाँ तो इसलिए कपड़ा नहीं धो पाई, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो सुबह सुबह ही जाते हैं तो उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं धो पाई थी, तो आज कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो भी गया है। अब वैसे गर्मी के मौसम में ऐसे तो कपड़ा ज़्यादा नहीं होता है पर रोज़ का 2 ड्रेस तो हो ही जाता है, एक रात का रहता है एक दिन का रहता है, तो सबका 2-2 ड्रेस हो जाता है तो इसीलिए कपड़ा ज़्यादा होता है। नहीं तो बोलते हैं कि गर्मी में कम होता है पर गर्मी में भी उतना हो ही जाता है, क्योंकि एक बार पहनने के बाद कपड़ा को दोबारा नहीं पहन सकते, उसको धो के ही पहनना पड़ता है। इसके बाद यहाँ मिर्ची लगा हुआ है तो ज़्यादा तो नहीं, 3-4 मिर्ची भी तोड़ लूँगी जो मुझे सब्ज़ी में डालना है, और ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, जैसे एक पौधा में 3-4 मिर्ची लगा हुआ है और 3-4 पौधा है भी, और मेरा जैसे ज़रूरी लगता है उस हिसाब से मैं तोड़ लेती हूँ, सब मिर्ची साथ में नहीं तोड़ती हूँ। तो यहाँ मैं यही पौधा आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, हरियाली पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बहुत देर बाद मैं किचन में आई हूँ, कम से कम ये 11-11:30 बजे का टाइम है, मेरा भी नाश्ता हो गया है। अब करेला मैंने सुबह ही काट के धूप में डाल दिया था हल्दी नमक लगा के, तब ये हल्दी नमक का पानी तो मैंने निकाल दिया है, 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया है, उसके बाद मैं करेला का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए तो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, तो पीयूष लगे तो खाएंगे नहीं, केवल पीयूष के पापा के लिए और मेरे लिए बनाऊंगी। हालांकि मैं इसमें प्याज ही ज़्यादा करके डाल रही हूँ, लगभग 2 बड़ा बड़ा करेला था, 1 पाव करेला था, तो उसमें मैं 4 प्याज डाल रही हूँ कि प्याज डालने से फिर तीता नहीं लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। वैसे करेला की सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा ही डलता है क्योंकि प्याज मीठा होता है, करेला तीता होता है, तो फिर मिक्स हो जाता है, ज़्यादा तीता कड़वा नहीं लगता है। हालांकि मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट है करेला की सब्ज़ी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे रोटी के साथ भी खाती हूँ, चावल के साथ भी अच्छा लगता है,
और कोई जल्दी से खाना नहीं चाहता, अभी उसके पापा है तो वो उतना खुश होकर नहीं खाते, फिर भी खा लेते हैं, अब बच्चे तो देखना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए तो अलग से फिर बनाना ही होता है, इसलिए बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा सब्जी बनता है तो दो सब्जी फिर बनाना ही होता है, पीयूष लड़की के लिए अलग बनाती हूँ, पीयूष के पापा को अगर मन होगा तो वो खाएंगे, जैसे कड़वा हो जाएगा तो वो नहीं खाएंगे, इसीलिए ये सब्जी बनाने के बाद मुझे आलू का सब्जी भी बनाना है, क्योंकि आलू का सब्जी जब बनता है तो सब कोई खा लेते हैं, इसलिए आलू का सब्जी बना दूंगा, या तो सूखा भुजिया या फिर चोखा जो बनता है वो। दाल मेरा बन गया है, केवल छोंकने लगा है तो छोंक भी लगा दूंगी साथ में, क्योंकि अभी टाइम है, नाश्ता मेरा हुआ तो मैं धीरे धीरे अपना कर लूँगी, अभी तो कोई खाना खाएंगे नहीं। सबसे पहले मैंने करेला डाल दिया है, पहले करेला को हल्का भून लूँगी, उसके बाद प्याज डालूँगी, तो करेला को 5 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लूँगी, उसके बाद प्याज डालेंगे, तो क्या कि प्याज जल्दी फ्राई होता है, करेला को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। इस बार जो मैं करेला लेके आई हूँ, बड़ा वाला जो करेला था वही लेके आई हूँ, वो मोटा था तो उसको पकने में और ज़्यादा टाइम लगता है, पर मोटा वाला करेला जो होता है कड़वा कम होता है, छोटा वाला जो होता है वो ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए मैं मोटा वाला, बड़ा वाला जो होता है वही लेके आई हूँ। तेल में केवल मैं करेला और प्याज को फ्राई कर रही हूँ, इसमें मसाला मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, क्योंकि हल्का सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें हल्दी नमक डालूंगी, अब बाद में सब मसाला डालूंगी, अभी मैंने हल्दी नमक भी नहीं डाला है, तो इससे पहले मुझे डालना है इसमें कच्चा आम, जो थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे उसके पापा को खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें खट्टा कुछ डाला है, यहाँ कच्चा आम मेरे पास खूब सारा आया हुआ था पर वो सब पक गया है, एक आम जो बचा हुआ है उसी में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि इसमें से आधा तो पीयूष लड़की ने खा लिया, मुझे ज़्यादा का ज़रूरी भी नहीं है, वैसे तो मैं कच्चा आम बहुत कम खाने देती हूँ क्योंकि गर्म करता है, पर पीयूष लड़की खा लेते, मुझे तो अच्छा नहीं लगता पर पीयूष लड़की खाते हैं तो उन्होंने खा लिया है, और लगभग ज़्यादातर सब आम पक गया है, पकाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही दलिया में डाल के छोड़ दिया था, तो वो रखे रखे में अपने से पक गया है, तब वैसे खाने के लिए काम आ जाएगा, हालांकि उसका जूस नहीं बनेगा, छोटा छोटा हुआ है तो उसको ऐसे ही खा सकते हैं, काट के खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, पीयूष लड़की खा लेते हैं, मुझे तो उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, हल्का सा मैंने कच्चा आम लिया वो डाल दिया है, कच्चा आम डालने के बाद इसमें मैं हल्दी नमक डालूंगी, क्योंकि अभी मैंने हल्दी नमक डाला नहीं है, वो भी करेला के साथ मिक्स हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें खट्टा कुछ डला हुआ है। मेरी मम्मी बनाती है भरवा करेला, बहुत अच्छा बनता है, अब मुझसे उतना अच्छे से नहीं बन पाता है, भरवा करेला मैं बहुत कम बनाती हूँ, पहले एक दो बार मैंने बनाया है, उसके बाद तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, और मम्मी भी बनाती है तो बहुत अच्छा बना लेती है, क्योंकि मम्मी तो बिना प्याज का लहसुन का बनाती है, हालांकि खाने में बहुत अच्छा लगता है, सूखा सूखा लगता है, पूड़ी के साथ खाओ तो और अच्छा लगता है, वही है मुझसे नहीं हो पाता, मुझसे मतलब कि वैसा नहीं बनता जैसा मम्मी बनाती है, वैसा नहीं बनता, मैंने एक दो बार कोशिश किया है, उसके बाद तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया, मैं केवल ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभार जो बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, अब कोई और तो खाता नहीं, केवल मैं अकेले खाती हूँ। यहाँ मैंने हल्दी नमक डालने के बाद भी 5-10 मिनट के लिए भून लिया है, अब पानी लगभग इसका ख़त्म हो गया है, यहाँ देखिए देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कम से कम इसको बनाने में मुझे 20-25 मिनट लग गया, अभी लगभग ये पक भी चुका है, प्याज भी पूरा कलर चेंज हो गया, करेला भी पूरा पक गया है, तभी इसमें सूखे मसाले जो बाकी के, हल्दी नमक तो मैंने डाल दिया है,
ज़्यादा मसाला तो डालना नहीं है, केवल इसमें मैंने लाल मिर्च और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि खट्टा में डालना रहता है, तो खट्टा के लिए मैंने कच्चा आम डाल दिया है, तो उससे टेस्ट अच्छा लगता है। अभी भी मसाला के साथ 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी, उसके बाद दूसरा बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे दूसरा सब्ज़ी भी बनाना, उसका भी तैयारी मैंने कर लिया है, तो साथ साथ में वो भी हो जाएगा, क्योंकि खड़े खड़े में ऐसे तो रहा नहीं जाता है, दूसरा काम साथ साथ में हो ही जाता है। तो यहाँ करेला का सब्ज़ी मेरा बन चुका है, चावल भी बन गया, दाल भी बन गया है, आलू है जो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दिया है, इधर चावल चढ़ा हुआ है, उधर मैंने आलू का सब्ज़ी भी चढ़ा दिया, वो भी मेरा बन रहा है। लगभग 1 बजते बजते पूरा खाना बन के तैयार हो गया था। करेला का सब्ज़ी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर किया है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किस किस को मेरा रेसिपी पसंद आया है। इस वीडियो का भी यही एंड करती हूँ, अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।